यदि आप एक सिंगल फेज मोटर को रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको इस तरह से एक रिवर्स फॉरवर्ड स्विच कनेक्ट करना होगा और इस रिवर्स फॉरवर्ड स्विच के जरिए आप एक सिंगल फेज मोटर को रिवर्स एंड फॉरवर्ड बोथ डायरेक्शन में रोटेट कर पाएंगे। तो किस तरह से हमें इस रिवर्स फॉरवर्ड स्विच का कनेक्शन करना होगा, किस तरह से हमें सिंगल फेज मोटर का कनेक्शन करना होगा, किस तरह से कैपेसिटर का कनेक्शन करना होगा, सब कुछ आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक रिवर्स फॉरवर्ड स्विच कनेक्ट किया है और पावर सप्लाई के लिए हमने यहाँ एक MCB कनेक्ट किया। सबसे पहले हम इस रिवर्स फॉरवर्ड स्विच का कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए आपके पास ये जो रिवर्स फॉरवर्ड स्विच होता है, यहाँ पर देखिए जो आपका लास्ट टर्मिनल है, इस लास्ट टर्मिनल में इस तरह से एक कनेक्टर आपको दिया जाता है। देखिए इस तरह से कनेक्शन होता है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका सेकंड टर्मिनल है, यहाँ से एक कनेक्टर आता है और यह जो आपका फर्स्ट कनेक्टर का फर्स्ट टर्मिनल है, यहाँ पर कनेक्ट होता है। दैट मीन्स क्या होता है, यदि यहाँ से इसे इस तरफ रोटेट किया जाएगा तो इसका कनेक्शन यहाँ से यहाँ पर आएगा, जिससे हमारी जो मोटर की डायरेक्शन है वह चेंज होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा पास फर्स्ट टर्मिनल होता है, यहाँ पर इसका जो कॉन्टेक्ट होता है ये सेकंड टर्मिनल के लास्ट पॉइंट से होता। देखिए इस तरह से इसका कॉन्टेक्ट होता क्या है, जब हम इसे यहाँ पर रोटेट करते हैं तो इसका जो कॉन्टेक्ट होता है वो यहाँ पर होता है और इस टर्मिनल का जो कॉन्टेक्ट होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, अब किस तरह से सिंगल फेज मोटर का रिवर्स फॉरवर्ड स्विच के साथ कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने इनपुट पावर सप्लाई या फेज और न्यूट्रल को हमने कनेक्ट कर दिया है। जो हमारे पास सिंगल फेज मोटर होती है, इस सिंगल फेज मोटर में हमारे पास चार वायर्स होते हैं, दो रनिंग वाइंडिंग के वायर होते हैं और दो स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर होते हैं। ठीक है, अब कनेक्शन करने के लिए हमें करना क्या होता है, आप किसी भी एक रनिंग वाइंडिंग के वायर को और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर को इस तरह से शॉर्ट कर दीजिए। देखिए यह हमारा कॉमन वायर बन चुका है। अब हमारे पास टोटल तीन वायर बचे हुए हैं, जो हमारे पास रेड वायर है ये रनिंग वाइंडिंग का वायर है, जो हमारे पास ब्लू वायर है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है और ये जहां पर हमने कॉमन बनाया है ये हमारे पास कॉमन वायर है। ठीक है, अब हमें कनेक्शन किस तरह से करना होगा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ कैपेसिटर के दो वायर बचे हुए हैं और यहाँ पर देखिए हमारे पास जो रेड वायर है ये रनिंग वाइंडिंग का वायर है। तो किसी भी कैपेसिटर के एक वायर को आप रनिंग वाइंडिंग पर लगा दीजिए और किसी भी कैपेसिटर के एक वायर को आप स्टार्टिंग वाइंडिंग पर लगा दीजिए। देखिए एक हमारे पास कॉमन वायर हो चुका है, एक रनिंग वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर का वायर लगा हुआ है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर का वायर लगा हुआ है। अब इसे रिवर्स फॉरवर्ड स्विच में किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले जो आपका कॉमन वायर है ये जिसे आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है, इस कॉमन वायर को आपको यहाँ पर जो आपका लास्ट टर्मिनल है इस लास्ट टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। होगा क्या, जब स्विच को यहाँ से यहाँ पर रोटेट किया जाएगा तब भी इसका कॉन्टेक्ट यहाँ से यहाँ पर रहेगा, दैट मीन्स यह एक सेपरेट कॉन्टेक्ट रहेगा। देखिए कॉमन को हमने लास्ट टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। अब मोटर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें रिवर्स और फॉरवर्ड रोटेट करने के लिए यहाँ पर देखिए रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो वायर है इसमें यदि फेज सप्लाई चेंज होगी तो हमारी मोटर की डायरेक्शन चेंज होगी। अब फेज सप्लाई किस तरह से चेंज होगी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है इसे हमने सेकंड टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, सेकंड टर्मिनल पर स्टार्टिंग वाइंडिंग आ चुका है। जो रनिंग वाइंडिंग का वायर है इसे हमें फर्स्ट टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। देखिए फर्स्ट टर्मिनल पर कनेक्ट हो चुका है, हमने लास्ट टर्मिनल पर कॉमन वायर लगाया है, बीच वाले पॉइंट पर स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर लगाया और फर्स्ट टर्मिनल पर हमने रनिंग वाइंडिंग का वायर लगाया। ठीक है, अब इनपुट पावर सप्लाई कहाँ पर कनेक्ट की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो न्यूट्रल का वायर है इस न्यूट्रल के वायर को आपको यहाँ पर जो आपका लास्ट टर्मिनल है यहाँ कनेक्ट कर देना है। अब जो न्यूट्रल रहेगा वह हमेशा कॉमन वायर में जाएगा, चाहे आप इसे यहाँ से यहाँ पर रोटेट करें कोई कनेक्शन में चेंज नहीं होगा, तो कॉमन में हमेशा न्यूट्रल जाएगा। अब जो फेज वायर है वह सबसे पहले आपको ले जाकर यहाँ पर जो फर्स्ट टर्मिनल है इस फर्स्ट टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। देखिए यदि हम रिवर्स फॉरवर्ड स्विच को रोटेट करते हैं
तो यहां से देखिए न्यूट्रल तो डायरेक्ट जा रहा है, अब जो फेज वायर रहेगा वो फॉर एग्जाम्पल इसे हमने यहां पर रोटेट किया तो यह जो रेड वायर का कॉन्टेक्ट है वो सेकंड टर्मिनल से है, तो देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग में फेज जाएगा, देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग में फेज जा रहा है तो हमारी जो मोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होगी। देखिए यहां पर जब इस तरह से जब रेड वायर में सप्लाई कनेक्ट होगी और इस तरह से इसका कॉन्टेक्ट यहां पर रहेगा तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में जब फेस जाएगा तो हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होगी। अब जब हम इस रिवर्स फॉरवर्ड स्विच को रोटेट करते हैं तो इसका कॉन्टेक्ट यहां पर होगा, ठीक है यहां पर होगा तो जो फेस जाएगा वो रनिंग वाइंडिंग में जाएगा और जब फेस रनिंग वाइंडिंग में जाएगा तो हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगी, जब फेस यहां से स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाएगा तो हमारी मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करेगी, जब फेस हमारा रनिंग वाइंडिंग में जाएगा तो मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगी। बट इस तरह का कनेक्शन करने से पहले आपको मोटर की वाइंडिंग या नेम प्लेट पर जरूर देख लेना है इसे आप रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं या नहीं। कई मोटर होते जिन्हें हम रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकते हैं तो पहले आप मोटर की नेम प्लेट पर जरूर चेक कर लीजिए, फिर इस तरह से सिंपल सा कनेक्शन कर दीजिए। इस रिवर्स फॉरवर्ड स्विच के जरिए आपकी जो मोटर की डायरेक्शन में काफी आसानी से चेंज हो जाएगी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह सिंगल फेज मोटर को रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड।